हेलो, तो कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के 10 ऐसे खूबसूरत झरने जिनके नाम सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, दुनिया में इतनी प्राकृतिक खूबसूरती है जिसे देखकर लगे कि बस ये आँखों में समा जाए या ये पल यहीं ठहर जाए। पहाड़ों से गिरते झरनों की बूंदें जब हमारे चेहरे से टकराकर हमें भीतर तक कर देती है, तब जो एहसास होता है उसे अगर आप भी महसूस करना चाहते हैं तो इन वाटरफॉल्स के करीब जाकर ऐसा सुकून और आनंद जरूर लीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं नंबर एक पर नियाग्रा फॉल्स। यह 3 जलप्रपातों का समूह है जो अमेरिका का सबसे फेमस वाटरफॉल है। यह अमेरिकन फॉल्स, ब्राइडल वेल्स फॉल्स और हॉर्शो फॉल्स के मिलन से बना है। यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर और मनोरम है। यहाँ हर साल लगभग 1.4 करोड़ टूरिस्ट घूमने आते हैं। तो नंबर दोस्तों 2 पर बात करते हैं इगुआजू फॉल्स। इस वाटरफॉल की खोज अलवर नुनेज कैबेजा ने 1541 में की थी। यह दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित इस जलप्रपात की ऊंचाई व चौड़ाई तो कुछ खास नहीं है, पर यह इगुआजू नदी से निकलने वाले 275 से अधिक झरनों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 पर विक्टोरिया फॉल्स। यह वाटरफॉल्स जाम्बिया और जिम्बाब्वे के पास जाबेजी नदी पर है। यह जलप्रपात इससे उठने वाली धुएं जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदों के लिए जाना जाता है। इसकी चौड़ाई 1.7 किलोमीटर और ऊंचाई 108 मीटर है। यह भी दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल में से एक है। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 पर एंजल फॉल्स। यह दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह वेनेजुएला की चुरुम नदी पर स्थित है। एंजल फॉल्स इतना ऊंचा है कि गिरते समय इसका काफ़ी पानी तेज हवा के साथ मिलकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और हवा में ही उड़ता है। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 पर जॉग फॉल्स। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर शरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपात राजा रॉकेट, शौर और दाम बलाचे से मिलकर बना है। यहाँ 253 मीटर मतलब 829 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता हुआ बहुत सुंदर दिखता है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसे गोरसप्पा नाम से भी जाना जाता है। बारिश में ज़्यादा पानी की वजह से यह घने कोहरे से ढक जाता है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 6 पर केटूर फॉल्स। इस वाटरफॉल में पानी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। केटूर फॉल्स दुनिया का सबसे चौड़ाई में बहने वाला झरना है। यह गुआना के पोटेरो नदी पर है। यह विश्व के सबसे शक्तिशाली जलप्रपातों में से एक है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है और इसके बहाव में 663 घन मीटर पानी प्रति सेकंड मौजूद रहता है। तो दोस्तों, नंबर 7 पर बात करते हैं विनू फोर्सेन फॉल्स। ये यूरोप का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जो नॉर्वे की विनू नदी पर स्थित है। यह दुनिया का 6वां सबसे ऊंचा झरना है। इस जलप्रपात के नज़दीक से ही सड़क गुजरती है, इसीलिए यह सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। ऊंचाई से गिरने की वजह से यहाँ भी सफ़ेद धुंध छाई रहती है। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 8 पर ब्लू लाइन फॉल्स। यह इथोपिया की ब्लू लाइन नदी पर है। इसे टिस अबे भी कहा जाता है जिसका मतलब होता है धुएं वाला पानी। यह दुनिया के सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, बात करते हैं नंबर 9 गुलफोस। गुलफोस का मतलब है गुलफोस गोल्डन फॉल्स। यह यूरोप का एक फेमस आइलैंड वाटरफॉल है। गुलफोस 32 मीटर ऊंचा डबल वाटरफॉल है। यह जलप्रपात वाइट रिवर पर है। यह आइलैंड का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। गर्मियों में भी लगातार बारिश और पिघलते ग्लेशियर की वजह से इस नदी के बहाव में
कमी नहीं आती, इसलिए गुल्फोस यूरोप में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले फॉल्स है। तो दोस्तों बात करते हैं नंबर 10 पर वैन ग्यूक डेनियम फॉल्स। यह दो वाटरफॉल्स है जो क्वेसन रिवर और गुचन रिवर्स पर है। बैग्यूस डिटेल फैन सिनो वियतनाम के बॉर्डर की कास्ट हिल्स पर है। ये नाइग्रा विक्टोरिया एंड लुगाजू के बाद दुनिया में चौथे सबसे बड़े क्रॉस बॉर्डर फॉल्स है। यह 30 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं। यह पेड़ चट्टानों और तूफानी प्रभाव की वजह से 3 हिस्सों में बंटकर बहता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।